अस्सलाम वालेकुम, शाहिद खान आपसे मुखातिब है। आज का हमारा टॉपिक है ख़तरनाक मादे की अलामती निशान से पहचान कैसे करें, आए सीखते हैं। ये वाला अलामती निशान जिस प्रोडक्ट पे बना होगा, जिस मटेरियल पे बना होगा, जिस माये पे बना होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये फ्लेमेबल हज़र्ड है। ये वाला अलामती निशान जिस प्रोडक्ट पे बना होगा तो आपको समझ जाना है कि ये धमाका खेज मवाद है। ये वाला अलामती निशान जिस प्रोडक्ट पे बना होगा तो आपको समझ जाना है कि ये स्किन इरिटेशन का ख़तरा है और ये हार्मफुल में भी इस्तेमाल होता है। इसका एक और निशान भी इस्तेमाल होता है, वो मैं अगले पेज में आपको दिखाता हूँ। ये वाला अलामती निशान कोरोसिव का है, यानी झुलसाने वाला। और ये जो तीनों निशान है, ये तीनों टॉक्सिस हज़र्ड है, यानी जहरीले। ये जिस प्रोडक्ट पे भी बना होगा तो आपको समझ जाना है कि ये मवाद जहरीला है। ये दूसरा निशान है स्किन इरिटेशन का। ये दोनों निशान एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। ये हार्मफुल में भी इस्तेमाल होते हैं अक्सर, जहाँ गर्म पाइपों का होता है हिसाब किताब, तो ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। यह अलामती निशान जहाँ कहीं भी होगा तो सीरियस हेल्थ हज़र्ड का निशान है। यह वाला अलामती निशान इनहेलेशन हज़र्ड है, यानी सांस के ज़रिए ये आपके फेफड़ों को डैमेज कर सकता है। और ये वाला अलामती निशान गैस अंडर प्रेशर का है। इसमें अगर ग्रीन वाला होगा तो वो नॉन फ्लेमेबल होगा, और जो रेड वाला होगा वो फ्लेमेबल होगा।